सभी संतुष्ट मणि विकर्माजीत प्रयोगी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। याद रहे, सत का संग तारे, कुसंग बोरे। और अब तो ये समझ आ ही गया होगा कि किसके रंग में रंगना है, किसका संग करना है, कौन सी कंपनी, किसकी कंपनी में रहना है, कौन है सच्चा कंपेनियन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ऐसे ही कमाई भी कौन सी साथ जाएगी, किस कमाई में है जन्म जन्मांतर का फायदा। बाबा सिखाते हैं हमें सतयोगी कायदा। तो आज बाबा योग सब्जेक्ट पर बहुत जोर देते हैं। ज्ञान योग से ही होती है सदगति, अच्छे कैरेक्टर्स बनते हैं, और यही जरूरी है नई दुनिया में जाने के लिए। आज तारीख है 7 अगस्त 2024। तो सतो प्रधान बनने के लिए सुनते हैं एवर रेडी, निर्मोही बनाने वाली बेहद बाप की शिक्षाएं। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। अभी क्या है, बेगर, मांगते ही रहते हैं, चाहे स्थूल चीजें चाहे सूक्ष्म चीजें। बाबा कहते हैं अब तो तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। कैसे? बाबा को याद करेंगे तो सच्ची कमाई जमा होती है। अभी घाटे में है और फिर फायदे में आ जाते हैं। ऐसी कमाई करते हैं जो साथ जाएगी संस्कारों के रूप में। अभी पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनती है। तो ये है सच्ची कमाई, हम बनते हैं विश्व के मालिक बाबा की याद से। प्रश्न, सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? उत्तर में बाबा कहते, जब तुम बच्चों को सत का संग अर्थात बाप का संग मिलता है, तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। बाप ही सत्य है, अविनाशी है, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, तो चढ़ती कला हो जाती है, जीवन सुंदर बन जाता है बाप के संग से। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है, बाप पार ले जाता है। हाँ, परमात्मा रंग में रंगे तो बाप पार ले जाता है। बाप की भी कमाल है जो सेकंड में ऐसा संग देते जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है, इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। दुर्गति से हम सदगति में आ जाते हैं, बाबा ऐसा जादूगर है। तो कौन से रंग में रंगना है? परमात्मा रंग में। कौन सा संग करना है? बेहद बाप का संग करना है। संग तारे कुसंग बोरे। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं योग अक्षर काम में न लाओ, बाप को याद करो, वह है आत्माओं का बाप, परमपिता, पतित पावन, उस पतित पावन को ही याद करना है। बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। कितने सारे संबंधी हैं, कितने संबंध हैं, सबको बुद्धि से भूलना है, जितने संबंध उतनी उलझन, है ना अनुभव। तो बाबा कहते हैं देखे सब संबंध छोड़ो और एक बाप को याद करो। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया, आप खत्म, आपकी सांसें रुक गई तो आपके लिए तो दुनिया खत्म। तो देह सहित देह के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं उनको याद नहीं करो, एक बाप को ही याद करो तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं होना, यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब पाप सब कट कर पुण्य कैसे जमा हो? बाप की याद से ही जमा होंगे। आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है, बुद्धि यूज करनी है। हाँ, अभी तक बुद्धि का मिसयूज करते रहे तो देखो रावण के संग में, तो अब बुद्धि का ताला खुल जाए। बुद्धि से याद करना है मुझ आत्मा को, परमात्मा को।
बाप कहते हैं, तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी हैं उन सबको भूलो, वह सब एक दो को दुख देते हैं। है अनुभव ये तो सभी को। एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते हैं, दूसरा पाप फिर क्या करते हैं? जो बाप सर्व का सदगति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उसे सर्वव्यापी कह देते हैं। एक तो काम विकारी है सभी और दूसरा भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। तो यह पाठशाला है, तुम आए हो यह पढ़ने। यह लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, और कोई ऐसे कह न सके। तुम जानते हो अभी हमको पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे, पूरे 5000 वर्ष हुए। देवी देवता विश्व के मालिक है ना, कितना ऊंच पद है। जरूर यह बाप ही बनाएंगे। बाप को ही परमात्मा कहते हैं, उनका असल नाम है शिव। फिर बहुत नाम रख दिए हैं, जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला है। बबुल के कांटे होते हैं ना, तो बबुलनाथ बाबा हमारे कांटे निकालते हैं, हम कांटे बन गए थे, हमें फूल बनाते हैं, हमें कांटे लगते, दुखी थे ना हम, तो देखो बाबा दुख भी दूर करते हैं, कांटे निकालते हैं, हमें फूल बनाते हैं। तो उनका नाम बबुलनाथ, नहीं तो उनका असली नाम एक ही शिव है। इनमें प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव ही है, सदा शिव कहते हैं ना, लेकिन बबुलनाथ, वैद्यनाथ, भूतनाथ, ये सब क्या है, कर्तव्यवाचक नाम है, सोमनाथ। तो तुमको इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, यह तो देहधारी है। अभी बोला था ना, रिगार्ड रखना है, याद तो सिर्फ एक शिव बाबा को करना है, तो यह तो देहधारी है। तुमको याद करना है विदेही को, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, उनको पावन बनाना है। कहते भी हैं महान आत्मा, पाप आत्मा, महान परमात्मा नहीं कहते हैं, परमात्मा के आगे कोई विशेषण नहीं लगता है। अपने को परमात्मा व ईश्वर भी कोई कह न सके, लेकिन कहलाते हैं, देखो कहते हैं हम भगवान हैं। कहते भी हैं महात्मा पवित्र आत्मा, सन्यासी सन्यास करते हैं इसलिए पवित्र आत्मा है। बाप ने समझाया है, वह भी सभी पुनर्जन्म लेते हैं। देहधारियों को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ता है, विकार से जन्म ले, फिर जब बड़े बालिक बन जाते हैं तो सन्यास कर लेते हैं। देवताएं तो ऐसे नहीं करते, वह तो एवर पवित्र हैं। बाप अभी तुमको आसुरी से दैवी बनाते हैं, दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे। मनुष्य प्लस दैवी गुण इक्वल्स देवता, तो दैवी गुण धारण करेंगे तो देवी देवता बन जाएंगे। दैवी संप्रदाय रहते हैं सतयुग में, आसुरी संप्रदाय रहते हैं कलयुग में। असुर हैं, देखो किसी का सुर किसी से मिलता नहीं है, आसुरी अवगुण है, कल क्लेश का युग है, कलयुग है। अभी है संगम युग, तो बाप के संग रहना है, बाप के रंग में रंग जाना है। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं अब तुमको फिर दैवी संप्रदाय बनना है जरूर। तुम यहाँ आए ही हो दैवी संप्रदाय बनने, दैवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक, देवताएं हैं अहिंसक। काम कटारी भी नहीं और कोई तीर कमान बंदूक गोली कुछ भी नहीं है ना, तो देवताएं हैं डबल अहिंसक, और अभी तो सब हिंसक हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वह भी सब देहधारी हैं। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा बाप को याद करना है। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्यात्मा बनेंगे, 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो। अभी तुम पुण्य जमा करते हो, योग बल से पापों को खत्म करते हो। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना, याददाश्त आ गई सबकी, वह फिर कहाँ गए? विश्व के मालिक कहाँ गए, यह भी बाप ही बताते हैं। सब बैठे हैं ना, अभी मुरली सुन रहे हैं। तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं।
भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता है, वह है ही निराकार शिव। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, परंतु कहते हैं तुम्हारे सदृश मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है, मुझे अपना शरीर नहीं है, अगर होता तो उनका नाम होता, ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है, इसने संन्यास किया तब नाम ब्रह्मा रखा है। दादा लेख राज्य का नाम ब्रह्मा रखा बाबा ने। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा है शिव का बेटा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? बाबा कहते हैं ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। बच्चे हैं मतलब रचना है ना, रचयिता की रचना है। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार हैं। आत्माएं यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। शिव भगवान उवाच है ना, श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही है, श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है, वो तो देहधारी है ना, तो श्री कृष्ण की महिमा अलग। पहला नंबर देवता है राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु यह कोई जानते नहीं, राधे कृष्ण का किसको भी पता नहीं है। राधे कृष्ण का बुढ़ापा किसी को नहीं पता और श्री लक्ष्मी श्री नारायण का बचपन किसी को नहीं पता। तो पहला नंबर देवता है राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लेकिन ये बात कोई जानते नहीं, राधे कृष्ण का किसको भी पता नहीं है, वह फिर कहाँ चले जाते हैं? राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। वहाँ अपवित्रता का नाम नहीं है, क्योंकि पांच विकार रूपी रावण ही नहीं है, है ही राम राज्य। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान थे अब तमो प्रधान बने हो, घाटा पड़ा है फिर जमा करना है। सतो प्रधान थे तो धनवान थे, जमा था, कमाई थी, प्रारब्ध भोग रहे थे, और अभी तमो प्रधान बन गए तो घाटा हो गया, फायदे से नुकसान में आ गए। तो बाबा कहते फिर जमा करो। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है, कोई बिरला उनसे व्यापार करे। बाबा जो व्यापार सिखाते हैं कोई बिरला ही कर सकता है ऐसा सौदा। जादूगर भी उनको कहते हैं, कमाल करते हैं, जो सारी दुनिया की सदगति करते हैं, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। जादू का खेल है ना, मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते। तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो, इस भक्ति से कोई ने सदगति को पाया है? भक्ति से मिला भगवान, मिली सदगति? कोई है जो सदगति दे? हो नहीं सकता, एक भी वापस जा नहीं सकता। बेहद का बाप ही आकर सबको वापस ले जाते हैं। कलयुग में अनेक राजाएं हैं, वहां तुम थोड़े राज्य करते हो, बाकी सब आत्माएं मुक्ति में चली जाती हैं। तुम जाते हो जीवन मुक्ति में वाया मुक्ति धाम, यह चक्र फिरता रहता है। अभी तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है इस सृष्टि चक्र का, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का। तुम ही इस ज्ञान से नरसे नारायण बनते हो, देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर तुमको ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी। सतयुग आ गया तो फिर पढ़ाई की जरूरत नहीं है, ऐसी पढ़ाई नहीं, फिर तो कलाओं के रूप में है ना शिक्षा, रूहानी ज्ञान नहीं होगा। भक्तों को भगवान ने फल दिया आधा कल्प सुख का, फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है, आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। तुम सतयुग में हो तो भी एक दिन जो बीता सीढ़ी उतरनी होती है, बैटरी डिस्चार्ज होना चालू हो जाती है,
तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर सीढ़ी उतरते ही रहते हो, सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती है, उतरते ही जाते हैं, समय बीतते बीतते इस जगह आकर पहुँचे हो, वहाँ भी तो ऐसे ही घड़ियाँ बीतती जाएंगी। हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से, फिर सीढ़ी उतरनी है जू मिसल। हाँ, धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हैं और एकदम से फिर एस्केलेटर जैसे होता है ना, और फिर देखो स्वच्छ चालित सीढ़ी जो होती है आजकल तो इलेक्ट्रिक वाली एलिवेटर है, तो एकदम से चढ़ जाते हैं, लिफ्ट होती है ना। और बाबा कहते हैं फिर सीढ़ी उतरते हो धीरे धीरे, चढ़ने में 1 सेकंड, उतरने में 5000 साल। बाप कहते हैं मैं सर्व की सदगति करने वाला हूँ, मनुष्य मनुष्य की सदगति कर न सके क्योंकि वह विकार से पैदा होते हैं, पतित हैं। वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं, पवित्र है ना, छोटा बच्चा है पवित्र है। वह महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म ले फिर संन्यास करते हैं, वह तो है देवता, देवताएं तो सदैव पवित्र हैं, उनमें कोई विकार होता नहीं। उनको कहा ही जाता है निर्विकारी दुनिया, इनको कहा जाता है विकारी दुनिया, नो प्योरिटी, बिल्कुल भी पवित्रता नहीं है ना। अभी तो चलन कितनी खराब है, देख रहे हैं कैसा चाल चलन हो गया है, कैसा रहन सहन, खान पान, बातचीत व्यवहार, कैसे संस्कार, कैसा संसार, तो ये सब क्या है, चलन कितनी खराब है, चरित्र कितना खराब है। देवताओं की चलन तो बड़ी अच्छी होती है, उनको सब नमस्ते करते हैं, नमस्ते माना मैं नमन करता हूँ आपके गुणों को, तो सब उनको नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं। कैरेक्टर्स उनके अच्छे हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है। हाँ, मनुष्य भी आपस में लड़ रहे हैं, देश लड़ रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, हर तरफ क्या है, हंगामा ही हंगामा है। अभी तो रहने की भी जगह नहीं है, कैसे देखो छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, माड़ियाँ बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची बना रहे हैं, छोटे छोटे घर हैं, तो रहने की जगह नहीं है। चाहते हैं मनुष्य कम हो, जनसंख्या कम करना चाहते हैं, परंतु यह तो बाप का ही काम है, बाबा जैसा परिवार नियोजन कोई नहीं करा सकता है, तो ये तो बाप का ही काम है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती है, बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं अपने स्वीट होम, सबके शरीर धू धू करके जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, आत्माएं चली जाएंगी अपने घर। सजाएं तो नंबरवार भोगते हैं जरूर, जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते हैं वह सजाओं से छूट जाते हैं। माला एक की तो नहीं होती, जिसने उन्होंने ऐसा बनाया वह है फूल, माला में ऊपर फूल होता है ना, शिव बाबा। फिर है मेरु, प्रवृत्ति मार्ग है ना, युगल दाना, दो दाने होते हैं तो बाबा मम्मा, तो फिर है मेरु, प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो जोड़ी की माला है, जोड़ी की माला है, प्रवृत्ति मार्ग है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। सिंगल की माला नहीं होती, सन्यासियों की माला होती नहीं, वह है निवृत्ति मार्ग वाले, वह प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे न सके। पवित्र बनने के लिए उनका है हद का सन्यास, वह है हठ योगी, यह है राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप तुमको यह राजयोग सिखलाते हैं। बाप हर 5000 वर्ष बाद आते हैं, आधा कल्प तुम राजाई करते हो सुख में, फिर रावण राज्य में आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते हो। इसको कहा जाता है सुख दुख का खेल, तुम पांडवों को जीत पहनाते हैं, अब तुम हो पंडे, गाइड हो, पंडे हो, घर जाने की यात्रा कराते हो। वह यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं, देखो अभी जाते तीर्थ यात्राओं पर कितने भूस्खलन हो रहे हैं और कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, कितने लोग मर रहे हैं, तो देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है उस यात्रा से। तो बाबा कहते हैं अब तुम हो पंडे,
घर जाने की यात्रा कराते हो। वह यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं, अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की। बाप आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। अभी है कलयुग का अंत, अंत का भी अंत आ गया। तो आफते तो बहुत आने की हैं, फिर उस समय तुम याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अब याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ तो पाप भस्म हो जाएं और फिर जमा भी करो। अंत समय में खुद को संभालेंगे, औरों को संभालेंगे, जमा किया हुआ काम आएगा या फिर उस समय जमा करने बैठेंगे। उस समय तो मैनेज करना होता है ना। तो बाबा कहते हैं अभी याद करके सारा हिसाब किताब चुप्तु करो, पाप भस्म करो और जमा करो। सतो प्रधान तो बनो। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। यह तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी चोटी होती है। देखो यही चोटी पकड़कर खींचा बाबा ने हमें, डूब रहे थे ना दलदल में। तो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह चक्र फिरता ही रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से युग में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी हो। फॉलोअर्स माना बिल्कुल बाप समान हैं ब्रह्मचारी, तो एक के ही हैं। फॉलोअर्स भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, एक के ही हैं। एक के लिए, एक से एक में, तो एक के ही हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला टीचर भी हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हो, फिर साथ में भी ले जाए। ट्रिपल इन वन, ट्रिपल रोल, थ्री इन वन, ऑल इन वन। तो ऐसा कोई मनुष्य हो न सके। यह बातें अभी तुम समझते हो। सतयुग में भी पहले पहले बहुत छोटा झाड़ होता है, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप को कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। दूसरी तरफ फिर कहते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिकर सब में है। तो किसको कहाँ से बुला रहे हैं, देख लो कुत्ता बिल्ली, मिलेंगे परमात्मा। पत्थर के आगे खड़े होके बोलो परमात्मा आओ, आएंगे, निकलेंगे, होगा कुछ अनुभव। तो बेहद के बाप का अपकार करते हैं, ग्लानी करते, निंदा करते, देखो कितना डिफेम करते हैं, अपकार करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते उनको डिफेम करते हैं। इसे ही कहा जाता है रावण का संग दोष। बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना रावण के संग में। सत का संग तारे को संग डुबोए। रावण राज्य शुरू होता है तो तुम गिरने लग पड़ते हो। बाप आकर के तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता है। अभी तो सब यहाँ हैं, बाकी जो भी रहे हुए हैं वह आते रहते हैं। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी तब तक तुम इम्तहान में भी नंबरवार पास होते जाएंगे। आत्माएं आ रही हैं और देखो इम्तहान चल रहा है। बाबा कहते हैं कि अभी तो सब यहाँ हैं, ऑलमोस्ट सभी आत्माएं आ गई हैं, लेकिन जो रही हुई हैं वो भी आ रही हैं। तो जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी तब तक तुम इम्तहान में भी नंबरवार पास होते जाएंगे। तो पेपर तो चल रहा है ना, अब किस दिन एकदम बड़ा पेपर आ जाए, अचानक परीक्षा हो जाए, कह नहीं सकते। एक सेकंड का पेपर किस दिन अंत आ जाएगा पता नहीं। तो बाबा कहते हैं इनको कहा जाता है रूहानी कॉलेज। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। रावण राज्य आया तो फिर शरीर छोड़ अपवित्र राजा बने और पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकने लगे। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित मिलता है। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है। अब आत्मा से खाद निकले कैसे, योग अग्नि चाहिए, उनसे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। आत्मा में
चांदी तांबा लोहा पड़ गया है। सिल्वर एज, पहले गोल्डन एज था, फिर सिल्वर एज, और फिर कॉपर, और फिर आयरन एज। तो देखो खाद पड़ गई, अलॉय मिक्स हो गया। तो यह है खाद, आत्मा सच्चा सोना है, अब झूठी बन गई है, वह खाद निकले कैसे? यह है योग अग्नि, ज्ञान चिता पर बैठे हो, आगे थे काम चिता पर, बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई ज्ञान चिता पर बिठा न सके। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते रहते हैं, लेकिन किसको जानते नहीं, किसको किसको नहीं पूजा भक्ति मार्ग में। इधर उधर देखो, मंदिर, ठिकानों, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन बाबा कहते किसको जानते नहीं, यथार्थ तो नहीं जानते। अभी तुम सबको जान गए हो, तुम सब देवता बनते हो, तो फिर पूजा की बात ही खत्म हो जाती है। हाँ, अब पूजा करनी है या फिर पूज्य बनना है, पूजनीय बनना है या पुजारी बनना है? तो बाबा कहते अब तो पूजा की बात ही खत्म हो जाती है, अब तो वो बनना है, अपनी पूजा थोड़ी करेंगे, पूजन लायक बन रहे हैं ना। तो जब रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है। तो अभी भी कोई है बीके भक्त जो यहाँ मुरली सुनकर मंदिर में जाकर मत्था टेकते हैं? अब पुजारी नहीं, अब तो पूज्य बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। दूसरा, याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है। वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। बाप दादा समझाते हैं, अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कौन सा पल आखिरी पल हो। तो अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी रहना, देख रहे हैं ना वीडियोस, कितने वीडियोस हैं यूट्यूब पे। तो अचानक मौत, खड़े खड़े लुढ़क गए, बैठे बैठे गिर गए। बाबा कहते हैं अंतिम घड़ी, हर घड़ी ऐसा सोचो और एवर रेडी रहो। अब एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी, जो सोचा तुरंत किया, सोचते ही किया, सोचा किया। तो एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी, ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा फिर तैयार हो जाएंगे, नहीं। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा, ये तो है ही अंतिम पेपर एक सेकंड का। बाबा कहते हैं निर्मोही तो बनना ही है, सदा के लिए निर्मोही, निर्विकल्प भी। हाँ, ये नहीं कि ये करें वो करें, बहुत सारे संकल्प विकल्प चल रहे, नहीं, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हों लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो, जो होगा वो अच्छा होगा। कोई कार्य रहा भी है, होना बाकी भी है, लेकिन ये नहीं कि उसी में बुद्धि अटकी रहे। बाबा कहते हैं स्थिति उपराम रहे, जो होगा वो अच्छा होगा। जाने वाला चला जाता है, पीछे दुनिया चलती है ना, ऐसे ही चलती है, और अच्छी चलती है, अनवरत चलती है। तो ये नहीं सोचे कि हम चले जाएंगे तो हमारे पीछे क्या होगा, ये काम अभी बाकी है, मुझे करना है, नहीं। बुद्धि सिर्फ एक बाप में हो, अपने तीव्र पुरुषार्थ के लिए सदा तत्पर हों।
तो एवर रेडी रहना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, हर घड़ी अंतिम घड़ी। स्लोगन, अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है, अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। हम किसी के जज नहीं हैं कि किसी को सजा दें, इसको हम मजा चखाएंगे, इनको हम बताएंगे ऐसा किया वो किया, या हम इनको दिखाते हैं अभी शिक्षा देते हैं। ये भी रोग है, जोश है, क्रोध का अंश है। कई बार हम लोग कहते हैं ना बातचीत व्यवहार में कि अभी ऐसा मजा चखाते हैं कि हमेशा याद रखेंगे, या किसी से बदला लेने के भाव से उसको सिखाते हैं तो वो भी क्रोध का अंश है। और क्या क्या हो सकता है, विचार सागर मंथन करेंगे ताकि हम व्यवहारिक जीवन में भी इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएं। लव और लॉ का बैलेंस समझना चाहिए कि क्या है। शुभ भाव, शुभ कामना, शुभ भावना से किसी को समझाना वो अलग पॉइंट है, लेकिन किसी को मजा चखाना, बदला लेने का भाव, ये सब बाबा कहते हैं इसलिए लॉ उठाना ये क्रोध का अंश है। तो बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं, इन सबको हमें अपने व्यवहारिक जीवन में समझना है। आज की मुरली के पॉइंट, क्या बातें याद रखें, कुछ शब्द याद रखेंगे हम मुरली को याद करने के लिए। पहली बात, रूहानी पंडा, बाबा ने हमें जॉब दिया है, गाइड बनो सबका, याद की यात्रा में खुद भी लगे रहो और औरों को भी रास्ता दिखाना है। दूसरा, सत्संग, क्या कुसंग है क्या सत्संग है ये हमें अब समझ में आ जाना चाहिए। तीसरा, सच्चा सोना, खाद निकालनी है अपने अंदर से, बाबा आए हैं मेहनत कर रहे हैं तो बाबा की मेहनत व्यर्थ ना जाए, सच्चा सोना बनना है। चौथा, एवर रेडी, हर पल अंतिम पल, आखिरी पल, हर घड़ी अंतिम घड़ी। और पांचवा, विजयी मणका बनना है, कोई भी विकार ना हो, क्रोध मुक्त बनना है, तब बनेंगे विजयी मन के। ओम शांति।